हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.5 कराई थी। आज अगला टॉपिक है खंड सह समाकलन। इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहते हैं। इसमें यदि दो फलन px और qx दिए गए हैं, मान लेते हैं px प्रथम है और qx द्वितीय फलन है, तब प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू द्वितीय सेकंड फलन के समाकलन का समाकलन। हिंदी में अगर अलग अलग हम इसको लिखना चाहें तो प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुणा द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानने के इसमें एक नियम दिया गया है, उसको किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं देखते हैं। आइलेट, ILATE मतलब है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब है फंक्शन और E का मतलब है एल्जेब्रिक और T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि इस प्रकार के फंक्शन है, यदि कोई दो फलन दिए गए हैं उनमें से एक इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स को पहला और दूसरे वाले को दूसरा, इसी प्रकार से लॉगरिथमिक है और कोई दूसरा है तो लॉगरिथमिक को पहला, और इसी तरह से इनको मानते चले आते हैं। यदि इन्हीं दोनों एक इनवर्स है और एक लॉगरिथमिक है तो इनवर्स को पहला मानेंगे और लॉगरिथमिक को दूसरा मानेंगे। लॉगरिथमिक है एल्जेब्रिक है तो लॉगरिथमिक को पहला मानेंगे, एल्जेब्रिक को दूसरा मानेंगे। इसी प्रकार से ये नियम इनके साथ भी लागू होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.6 पर। एक्स डी एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डीएक्स। देखिए ये एल्जेब्रिक है एक्स और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में एल्जेब्रिक पहले आया है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब इस नियम के अनुसार प्रथम फलन को एक्स को हमने ऐसे ही रहने दिया इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन का समाकलन करें साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू द्वितीय फलन के समाकलन, द्वितीय फलन साइन एक्स डी एक्स इनका होल डी एक्स। देखते हैं एक्स साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का वन इंटू साइन एक्स का माइनस कोस एक्स dx, अब cos x का sin x, तो हमें sin x को हम पहले ले आएंगे sin x माइनस x cos x प्लस c। इस प्रकार से हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। और भी सवाल जो भी करेंगे उनको मैं कल बताऊंगा, आज सिर्फ इतना ही।